अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं आज। आज मैं आपके साथ एक और नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आपको स्पेशल सेवैयाँ बनाकर दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मैं शुरू करती हूँ। जी तो सबसे पहले मैंने सेवैयाँ ली है, ये आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं। ये मैंने 140 ग्राम ली है और इन सेवैयाँ को हम अंदर से पीसेस कर लेंगे। ये देखें, इसको अंदर से कट कर देंगे। ये ज़्यादा आसान तरीका है जो मुझे लगता है, तो मैं इसको अंदर से पीसेस कर लूँगी। साथ ही एग्जॉस्ट फैन मैंने चूल्हे पर रख दिया है। अब इसका पानी खुश हो गया है, इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर दूँगी। अब देसी घी जो है ये पिघल गया है। अब मैं इसमें ये 3 अदद इलायची है और इसके दाने मैंने निकाल लिए हैं, ये मैं ऐड कर दूंगी। 140 ग्राम सेवैयाँ ऐड कर दूंगी और बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक पकाऊंगी। सेवैयाँ लाइट ब्राउन हो गई हैं। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून बादाम ऐड करूंगी। इसका पाउडर तैयार कर लिया था। किशमिश 2 टेबलस्पून वो भी ऐड कर दूंगी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। जी तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें दूध ऐड करूंगी। ये 1.5 लीटर दूध है और इसको मिक्स कर लूंगी। दूध बॉईल होने लगे और इसके बाद ये थोड़ा सा थिक हो जाए तो इसमें 2 प्याले चीनी ऐड कर दें। चम्मच की मदद से इसे हिलाते जाएं और गाढ़ा करते जाएं। जी तो ये अब अच्छे से पकने लग गई है और गाढ़ी होने वाली है। 1/4 टीस्पून वनीला एसन ऐड कर दें और उसको गाढ़ा होने तक पकाएं। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्पेशल सेवैयाँ तैयार हो चुकी हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।